गिरफ्तार करने के लिए और मेरे साथ चले जय माँ भवानी पश्चिम से हम जानते हैं कि नया बूट है, नई उमंग है, नया जोश है और नई वर्दी है। इसलिए आज तुम घाटे में आए हो करण सिंह को ललकारने के लिए। हाँ, सेना पश्चिम सिंह किसकी छाती में इतने अबे उगे पाल है, किसकी छाती आके इतने उगे पाल है, तेरे पंजों से अब चीर डालूंगा चढ़ करे सीने पर तेरे, कौन आके पिहाए हाथ में हट पड़ी कुत्तों को सारा खिला। तेरी बाकी कसम करके पीछे हटे कि तेरे जैसे कितने को तल वतल कर दिया, आज तक कोई भी टकराया परी इसी चंबल में जिंदा चीर डालूंगा चढ़ करे सीने पर तेरे, लाश तड़फे दो गति कपट के लिए करण सिंह अपने आप को हमारे हवाले कर दे। सेना पश्चिम सिंह अभी भी वक्त है कि तू अपने हिजड़े के भात को लेकर यहाँ से वापस चला जा। आराम से अभी समझा रहा हूँ मेरी बातों को समझ वरना बेबाक।
रास्ता छोड़ दे। अरे हराम ज़ादे कीदड़ की औलाद शेर को वो डर से भाग रहा है। ये साले झाटू करण सिंह भाग रहा है, उसे पकड़ो किसी भी हाल में। आओ हमारे साथ, वो भागकर जाना नहीं। सेठी कैसे जाए? यहाँ से वापस चले जाओ। नहीं सरदार, नहीं वापस चले जाओ। नहीं सरदार, तो क्या हमारे हाथ छोड़कर नहीं जाएंगे? हमारे हाथ में गोलियां लग चुकी है, अभी भी तुम यहाँ से वक्त है, समय निकल जाओ। नहीं बड़े सरदार, नहीं हाँ तुम्हें, क्योंकि सेना पश्चिम में सिंह अपने भारत के लिए तो देखो घाटी के चारों तरफ से बिखरा हुआ है। अभी भी वक्त है कि यहाँ से चले जाओ। नहीं सरदार, नहीं हाँ तुम्हारे सारे छोड़ कर। बैठ जाओ और वो हरामजादे इतनी मड़राते हुए आएंगे, फिर हमको कैद करेंगे। कोई चारा नहीं है, अब इस गुफा की तरफ चलते हैं और यहीं पे छिप जाते हैं, क्योंकि सुमन सिंह का बहुत भारी तस्कर है। हमारे पास जितने हमारे साथ है,
शहरापत सुमन सिंह रामखोर करण सिंह समझा रहा था, बहुत देर से समझा रहा था, लेकिन तेरी समझ में हमारी बात नहीं आई। सुमन सिंह अभी भी वक्त है, सोच लो, लेकिन आज आज करण सिंह के हाथ में हथकड़ी डालकर तुम अच्छा नहीं कर रहे हो सुमन सिंह, और तुमने पकड़ा कि तुमने पकड़ा है किसको करण सिंह को, मुझे बस आता है पछताओगे। अरे महाराज का हुक्म था कि तुझे कैद करके लाया जाए, वरना ये सेना सुमन सिंह तुझे इसी चम्बल घाटी में दफन कर देता। सुमन सिंह सरे कि दुश्मनी करे डाकू से कितने बसरी, और चैन से किसी तरह खर, इतना ताकतवर है कि तो साले लोहों की सलाखों को तोड़ देगा। करण सिंह अपने आप को काबू कर, वरना
कसम है इस धरती माँ की, ऐसी गोली मारूंगा सारे। तुम खुद पछताओगे एक दिन, खुद पछताओगे। अच्छा तो फर्ज मेरा जो था मैंने पूरा किया, फर्ज मेरा जो पूरा किया, बाद में बदला चुका ले जेल से आबाद होगा जब हौसला अपने दिल का। रामखोर, तुझे महाराष्ट्र से 20 साल की सजा दिलाऊंगा और वहीं जेल में सड़ जाएगा, तो किसी काबिल नहीं रहेगा। साथियों लेट लो इसे महाराज के पास, रामखोर की सारी चर्बी निकल जाएगी। उदयपुर पर चढ़ाई करेगा, महाराज उदय सिंह का सिंहासन जीतेगा। जब तक ये सेनापति सुमन सिंह सलामत है, क्यों नहीं सर, किसी आतंकवादी में इतनी ताकत नहीं। आओ हमारे साथ चलिए, हम चलते हैं महाराज। अब हम चल रहे, लेकिन कहना क्या मास्टर, अरे लगावा उठाए की लगावा उठाए, खाली हनावा से पकड़ी लगावा उठाए, खाली हनावा से सेनापति सुमन सिंह गया हुआ है और अभी तक वो वापस नहीं आया। क्या कहा? डाकू करण सिंह को पकड़ने के लिए सेनापति सुमन सिंह ने राजदरबार में भीड़ उठाया है। जी महाराज। तो वो करण सिंह को पकड़ने के लिए गया है, अभी तक वापस नहीं आया। अभी तक वापस, तब तक अवार्ड कर उसका इंतजार करते हैं। जी महाराज। वो बहादुर इंसान है, अगर उसने बीड़ा उठाया है तो करण सिंह को कैद करके अवश्य लाएगा, तब तक हम उसके आने का इंतजार करते हैं। जी महाराज। महाराज की जय हो। मेरे दानवीर सम्राट, मैं जिस काम के लिए गया था उस काम को सही सलामत पूरा करके वापस आ गया। क्या कहा? जिस काम के लिए गए थे उस काम को करके वापस आ गए। हाँ सम्राट। तो कहाँ है वो करण सिंह जिसको कि पकड़ने के लिए तुम गए थे और उदयपुर साम्राज्य को लूटने के लिए उसने भीड़ा उठाया था? लाओ उसे राज दरबार में हाजिर करो। अवश्य राजन। सिपाही जाओ,
उस शरमखोर करण सिंह को महाराज के सामने पेश करो। यही है करण सिंह। वास्तव में देखने में तो ऐसा लगता है इसकी आंखें जैसे शेर की मालूम दे रही हैं। वास्तव में बहुत खूंखार नाकू है। महामंत्री विक्रम सिंह, इसको जेल की सलाखों के अंदर हाथ में हथकड़ी और पैर में बेड़िया छोड़कर जेल की सलाखों के अंदर रखा जाए और इसे 20 साल की सजा हमारी तरफ से मुकर्रर हो रही है। महाराज, लेकिन इतना याद रहे कि इसका परिणाम एक दिन बहुत महंगा पड़ेगा। महाराज, देख रहे हैं आपके सामने कौन खड़ा है? यही है करण सिंह। महाराज कहिए सेनापति सुमन सिंह, तुम महाराज छूता है खादिम चरण को, महाराज छूता है खादिम चरण को, हर कर के दिलाया भूटा कबूतर। सम्राट ये करण सिंह बहुत ही खतरनाक था। इससे मुठभेड़ के समय हमारे कुछ सिपाही भी मारे गए। इसके लिए मैं चाहता हूं कि हमारे जो देश के जवान शहीद हो गए हैं उनके घरों पर उनकी लाशों को अटा दिया जाए और उनके घर वालों को कुछ सरकार की तरफ से दिला दिया जाए। महामंत्री विक्रम सिंह, पहले इसको हमारी आंखों से दूर करो, जिंदान में छोड़ो, इसके बाद। जी महाराज। अरे सुन्नीलाल, ले जाओ इसे, लेकिन हरगिज नहीं, नहीं कानून ये कहता, नहीं कानून ये कहता कि खासा लेके जाओ तुम, जो मिलता आम कैदी को वही इसको खिलाओ तुम। और हाथ चुन्नीलाल, अगर ये जेल में खाना मांगता है तो हंटर से मारोगे, और अगर ये पानी मांगता है तो साले को चूता मारना। सुमन सिंह, मेरी बात को ध्यान देकर सुनो। अरे है सदया फिरिया फिरी इसी जमा को, मैं
आप हैं। मेरे ना रहने के बाद होगा सर पे ताज है और बना कष्टरे मैं करूं इस सिंह जाओ शाही खजाने से 1,00,000 रुपए लेकर सेनापति सुमन सिंह के हाथ में दिया जाए और आज के बाद जयपुर की रियासत के मंत्री सुमन सिंह होंगे। वहां का जो भी लगान वसूला जाएगा वो सुमन सिंह की गुजारी में जाएगा और उदयपुर साम्राज्य का लगान तुम्हारे खजाने में जाएगा। ये मेरा ऐलान था और उस ऐलान को मैंने पूरा किया। 1,00,000 रुपए लेकर राजकोष से सेनापति सुमन सिंह को दिया जाए। आना चाहती है महाराज, आपकी क्या होती है? सेनापति की पत्नी राज दरबार में आना चाहती है? क्यों नहीं महाराज, जाओ उन्हें आदर के साथ राज दरबार में पेश करो। जैसी आपकी। आपसे कुछ कहना चाहती हूँ सबने। ये बताइए कि प्राणनाथ आज भरे दरबार में आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। प्रिय माधवी। हाँ प्राणनाथ, क्या कहना चाहती हो? अपने बयान इस भरी राज दरबार में कीजिए, हम जानना चाहते हैं। अरे बुलाया मुझे किस लिए प्राणपतिया, बुलाया मुझे किस लिए प्राणपतिया।